Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start the lecture series of Nuclear Physics 1. Today we shall discuss about the basics of atomic nucleus, that is nuclear properties, types of nuclei and nuclear mass. So let's first see what is nuclear physics. Nuclear physics is the branch of physics that is related with the atomic nucleus and its associated properties. न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम अटोमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और उससे मुतल्लिका जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सब अटोमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको मिलाने से न्यूक्लियस बनता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस की शेप के बारे में स्टडी करेंगे, उसके अंदर पार्टिकल्स को बाइंड करते हुए जो एनर्जी स्टोर होती है यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर डिके के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज एटॉमिक न्यूक्लियस. द सेंट्रल डेंस पार्ट ऑफ द एटम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 and it is the major part of the atom that contains all of its positive charge. ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि 1911 में रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पे उसने देखा था कि एटम का जो ज़्यादातर मास है वो उसके सेंटर में लाई कर, इसका मतलब जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो ज़्यादा डेंस है, वो ज़्यादा भारी है, यानी एटम का जो टोटल मास है उसका ज़्यादातर हिस्सा उसके सेंटर में पाया जाता है और उस सेंट्रल पार्ट को, उस डेंस पार्ट को, भारी हिस्से को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं. लेटर ऑन हमने डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ है और एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा उस न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है. प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल इन साइड अ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 × 10⁻²⁷ के जी और 1.007276 यू. अब प्रोटॉन जो है ये हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम के अंदर पाया जाने वाला एक पार्टिकल है जो कि बेसिकली न्यूक्लियस का हिस्सा होता है. तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली प्रोटॉन की वजह से होता है, यानी प्रोटॉन ही हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है एटम के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और अगर हम न्यूक्लियस को कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी प्रोटॉन्स की वजह से. अब एक प्रोटॉन जो है उसके ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज जो है वो स्टोर होता है, पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन का जो मास है दैट इज़ 1.673 × 10⁻²⁷ के जी, ये किलोग्राम्स में हमारे पास मास है, लेकिन आम तौर पे चूंकि किलोग्राम एक बहुत बड़ा यूनिट है और हमारे पास जो एटम का साइज़ है और उसके अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको मापने के लिए फिर हम किलोग्राम नहीं इस्तेमाल करते बल्कि एक और स्मॉलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड मास स्केल. यहाँ पे जो यू हमने लिखा हुआ है 1.007276 यू, तो यहाँ पे यू जो है ये यूनिफाइड मास स्केल है और इसको छोटे लेवल पे हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास या AMU एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में भी पढ़ा हुआ है. तो इसको आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिफाइड मास स्केल कैसे बनता है और किस तरह से हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रोटॉन इज अ स्पिन हाफ पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ टू अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क. प्रोटॉन जो है ये स्पिन हाफ पार्टिकल है. स्पिन हाफ पार्टिकल का मतलब कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हुए, न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है. रोटेट करने से मुराद, स्पिन करने से मुराद ये है कि कोई भी हमारे पास जो पार्टिकल है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, यानी दायरे में घूमता है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ के गिर्द नहीं घूमता बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो उसको हम स्पिनिंग का नाम देते हैं. जिस तरह आपके पास टॉप होता है, टॉप भी स्पिन कर रहा होता है, पंखा जो है वो अभी अपनी जगह पर रहते हुए अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पिन कर रही होती हैं. इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी स्पिन हाफ, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है.
तो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो भी रेस्ट पे नहीं होते, बल्कि उसके अंदर रहते हुए अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं, और उनकी जो स्पिनिंग है उसको हम वैल्यूज असाइन करते हैं, दैट इज़ 1/2। इस वजह से हम उनको नाम देते हैं कि वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। आफ्टर दैट हमने कहा प्रोटॉन इज कम्पोज ऑफ 2 up quarks and 1 down quark। तो क्वार्क क्या है, बेसिकली एक टाइम हमारे पास ऐसा था जब हम कहते थे कि एटम जो है उसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, और हमारे पास जितना भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो सारा एटम से मिलकर बना है, यानी एटम हमारा जो था वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, छोटे से छोटा पार्टिकल था और उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता था। और डिफरेंट एटम्स को मिला के हमने कहा था हम मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल बनाते हैं जिसमें सॉलिड्स भी आ जाते हैं, लिक्विड्स भी आ जाते हैं, गैसेज भी आ जाती हैं। लेकिन अब उसके बाद हमने कहा कि नहीं, एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बेसिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए। उसके बाद हमने और नंबरलेस पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर दरियाफ्त कर लिए, जिनको हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया। अब जो क्वार्क्स हैं ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब जब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाने वाली जो चीज़ है उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं, ठीक है, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम देते हैं। और आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये जिस तरह हम कहते थे एटम्स को मिलाने से सारी चीज़ें बनती हैं, सारा मैटर बनता है, तो बिल्कुल उसी तरह हम कह सकते हैं कि क्वार्क्स को मिलाने से हमारे पास प्रोटॉन्स बनते हैं और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक उनके पार्टिकल्स हैं, और उनको जब हम मिलाते हैं, आप कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास प्रोटॉन्स बनते हैं। अब प्रोटॉन्स को मिलाने के लिए हम 2 up quarks उसमें यूज़ होते हैं, 1 down quark। क्वार्क्स जो हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह हमारे पास एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हम कहते हैं 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, बेसिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, और उसमें जो क्वार्क्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, उनको हम अप, डाउन और स्ट्रेंज, यानी 3 तरह के क्वार्क्स में क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें से 2 up quark और 1 down quark जब मिल जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त बनने वाली जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनता है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 938 MeV। रेस्ट मास एनर्जी जो है ये टर्म यूजली हम लोग जब रिलेटिविस्टिक मेयर्स की बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। रिलेटिविटी के अंदर आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन हमारे पास जो मास है ये भी एनर्जी की एक कंडेंस्ड फॉर्म है, यानी आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन हमें ये बताती है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी मैटर है, मास है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस की फॉर्म में है, वो बेसिकली एनर्जी की कंप्रेस की हुई एक शक्ल है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी को आपने कंसंट्रेट कर दिया, दबा दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास जो है ये मैटर बना, यानी सॉलिड्स बने, लिक्विड्स बने या हमारे पास गैसेस बने, जितना भी मैटर है या मास है वो बेसिकली एनर्जी की एक कंप्रेस्ड फॉर्म, उसको हम कह सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं रेस्ट मास एनर्जी की, तो इसका मतलब भी यही है कि वो पार्टिकल जब रेस्ट में पड़ा हुआ है, कोई भी मास, फॉर एग्जांपल 1 kg हमारे पास मास है, तो उस 1 kg मास को बनाने में कितनी एनर्जी को हमने वहाँ पे इकट्ठा किया, कंप्रेस किया, कि उस 1 kg मास को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं उसकी रेस्ट मास एनर्जी। और हमारे पास जो आपने देखा होगा कि जो आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन है दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसका मतलब वहाँ पे मास के साथ सी स्क्वेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की रेस्ट मास एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सी स्क्वेयर है ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है। सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू होती है, फिर जब आप उसको स्क्वेयर करते हैं तो 10⁻⁶ बन जाती है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा भी मास उस इक्वेशन के अंदर, मास की थोड़ी सी भी वैल्यू पुट करते हैं तो जब वो सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगी तो नेट जो आंसर हमें मिलेगा, एनर्जी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ा सा मास भी जो है उसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को जो है वो कंप्रेस करना पड़ता है।
इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन है, अगर आप उसका मास देखें तो -27 kg की रेंज में आता है, यानी पॉइंट के बाद आप 26 जीरो लगाएंगे तो फिर कहीं जाके आप प्रोटॉन के मास तक पहुंचेंगे। लेकिन उस एक प्रोटॉन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ 938 MeV, कि अगर उस प्रोटॉन को हम कभी एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 938 MeV, मेगा मीन्स मिलियन, 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें वहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल इन साइड ए न्यूक्लियस हैविंग नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10⁻²⁷ kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम किलोग्राम्स में देखें तो ये नियरली इक्वल है, बहुत माइन्यूट सा इनके अंदर डिफरेंस है, जो कि 6-7 के बाद, मतलब उसका 6-7-3 है, यहाँ पे 6-7-5 है। और यूनिफाइड मास स्केल में अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन का मास 1.008665 यूनिफाइड मास स्केल है। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो स्पिन हाफ पार्टिकल, इसका भी यही मतलब है कि वो अपनी जगह पर रहते हुए स्पिन करता है, और उसकी स्पिन की एक वैल्यू उसको हमने असाइन की हुई है, क्वांटम नंबर असाइन किया हुआ है, दैट इज 1/2। कंपोज ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क्स से और 1 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बनता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बनता है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 939.5 MeV। न्यूट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी इसको बनाने में जितनी एनर्जी को हमें कंप्रेस करना पड़ा है, दैट इज 939.5 MeV। क्योंकि इनके मैसेज में भी माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए इनकी जो रेस्ट मास एनर्जीज हैं उनमें भी थोड़ा सा फर्क है, वो 938 है न्यूट्रॉन के लिए, 939.5 MeV है। नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब से ऑनवर्ड हमने चूंकि न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना, हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात करनी है, प्रोटॉन्स की बात करनी है, न्यूट्रॉन्स की बात करनी है, तो अब से ऑनवर्ड हम जब भी न्यूक्लियस को लिखेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका जो है वो अलग होता है। न्यूक्लियस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय XZA, इसको हम रीड करेंगे XZA। अब यहाँ पे जो एक्स है दैट इज़ बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस की हम बात कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे, हीलियम की बात कर रहे हैं तो हम एच ई लिखेंगे, कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। तो ये जो एक्स है ये सिम्बॉलिकली हमने इसको एक्स लिखा है, लेकिन बेसिकली ये उस एलिमेंट का केमिकल नेम होगा जिसके न्यूक्लियस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद जी जो है ये एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर का मतलब कितने प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, और ए जो है वो उसका मास नंबर है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को जमा कर दें तो हमारे पास मास नंबर जो है वो आ जाता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो अभी हमने बात की कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, दो ही तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। सो प्रोटॉन्स की तादाद को हम जी कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को जमा कर दें तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी एक उसके अंदर प्रोटॉन है, और उसका मास नंबर भी 1 है। मास नंबर 1 क्यों है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, जो कि यूजली एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। वैसे तो हमारे पास 3 आइसोटॉप है हाइड्रोजन के, जो प्रोटॉन है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है, जो ड्यूट्रॉन है उसके अंदर 1 है, जो ट्राइटॉन है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन चूँकि हम ज़्यादातर प्रोटॉन की बात करते हैं, जो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो उसके केस में 1 प्रोटॉन होता है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। सो हमारे पास जो मास नंबर है वो भी टोटल 1+0 1 ही आ जाता है। सो इस केस में जी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, H11, यानी सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में 1, यानी सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर बेसिकली आएगा, और जो सुपरस्क्रिप्ट है वहाँ पे उसका मास नंबर आएगा। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब हम न्यूक्लियस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। इन टर्म्स को, बेसिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अब से ऑनवर्ड जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे न्यूक्लियस की, डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन टर्म्स को हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। सो न्यूक्लियाई हैज़ 2 टाइप्स, 2 तरह के हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, इवन ए न्यूक्लियाई एंड ओड ए न्यूक्लियाई। वॉट आर इवन ए न्यूक्लियाई, यहाँ पे ए जो है ये बेसिकली मास नंबर है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद है, उनका कलेक्टिव नंबर है।
The nucleus is called even A when it has even mass number. अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो वैल्यू आपके पास इवन आती है, यानी उसका जो मास नंबर है वो इवन आता है. तो इस तरह के जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम इवन ए न्यूक्लियाई का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है जिसका मास नंबर 12 होता है, मैग्नीशियम है इसका मास नंबर 24 होता है, सिलिकॉन है इसका मास नंबर 28 होता है. ये सारे के सारे इवन ए न्यूक्लियाई हैं. अब जो इवन ए न्यूक्लियाई हैं उनको हम फर्दर जो है वो क्लासिफाई करते हैं इवन इवन न्यूक्लियाई में और ओड ओड न्यूक्लियाई में. अब ये क्या होते हैं, इवन इवन न्यूक्लियाई क्या है? ये भी बेसिकली इवन न्यूक्लियाई हैं. इवन का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ए जो है वो इवन नंबर होगा. लेकिन ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन होती है, इसलिए इनको हम इवन इवन न्यूक्लियाई का नाम देते हैं. अब देखें, अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी आपके पास इवन आता है, मींस टू और फोर को ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, और दो ओड नंबर्स को ऐड करें मींस थ्री और फाइव को ऐड करें तो तब भी आपके पास एट आएगा. तो इसका मतलब दो इवन नंबर्स को ऐड करें तब भी एक इवन नंबर आता है, दो ओड नंबर्स को ऐड करें तब भी एक इवन नंबर आता है. सो अगर आपके पास ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन है, तो वो भी इवन ए न्यूक्लियाई कहलाएंगे, लेकिन उनको हम इवन इवन न्यूक्लियाई कहेंगे. मिसाल के तौर पर कार्बन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और हीलियम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. इसी तरह हमारे पास ऑड ऑड न्यूक्लियाई हैं, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो भी एक ऑड नंबर होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी एक ऑड नंबर होती है. तो उनको जब हम ऐड करते हैं, मास नंबर निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास इवन आती है. तो ये भी इवन ए न्यूक्लियाई की एक कैटेगरी है. लेकिन इंडिविजुअली अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को देखें तो उनकी तादाद ओड है, लेकिन जब उनको जमा करके ए की वैल्यू निकालते हैं, मास नंबर चेक करते हैं, तो वो हमारे पास इवन आता है. मिसाल के तौर पर H12, अब H12 जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं. इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है. अब प्रोटॉन की तादाद भी ओड है, न्यूट्रॉन की तादाद भी ओड है, लेकिन जब हम उनको ऐड करते हैं हमारे पास मास नंबर जो है वो इवन आता है. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लिथियम है. लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, दैट इज़ एन इवन नंबर. सो ये भी हमारे पास इवन ए न्यूक्लियाई है, लेकिन इवन ए की फर्दर सब टाइप है ओड ओड न्यूक्लियाई. नेक्स्ट वी हैव ओड ए न्यूक्लियाई. अब इसका नेम भी इंडिकेट कर रहा है, हमारे पास वो न्यूक्लियाई होंगे जिनका मास नंबर ओड नंबर होता है, यानी जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ओड नंबर आता है. मिसाल के तौर पर H3 यानी हाइड्रोजन जो है इसका आइसोटॉप, ट्राइटियम भी आप इसको कहते हैं, और जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ट्राइटोन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ये चीज़ भी क्लियर कर लें कि वैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं इनको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का नाम देते हैं, 3 आइसोटॉप है. लेकिन जब आप प्रोटियम के न्यूक्लियस की बात करोगे तो हम उसको प्रोटॉन कहेंगे, ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम उसको ड्यूट्रॉन कहेंगे, इसी तरह ट्राइटियम के न्यूक्लियस की अगर आप बात करेंगे तो उसको हम ट्राइटोन कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास लिथियम है. लिथियम जो है इसका मास नंबर भी 7 होता है, क्लोरीन का मास नंबर 35 होता है. ये सारे ओड ए न्यूक्लियाई के एग्जांपल्स हैं. अब इवन ए न्यूक्लियाई की तरह जो ओड ए न्यूक्लियाई हैं इनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं. एक हमारे पास इवन ओड न्यूक्लियाई हैं. इवन ओड वो न्यूक्लियाई हैं जिसमें एटॉमिक नंबर इवन होता है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद इवन होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद ओड होती है. तो इवन और एक इवन और एक ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ऑड नंबर ही बनता है. अब इसके एग्जांपल में हमारे पास बेरिलियम आ जाता है. बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर इसका इवन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 5 है. ऑड हमारे पास इसका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो ऑड है. सो 4 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो मास नंबर इसका 9 बनता है, जो कि एक ऑड ए न्यूक्लियस है. बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसके अंदर 8 हमारे पास प्रोटॉन है, और जो गिवन आइसोटॉप है हमारे पास ऑक्सीजन का, वैसे तो 816 है इस, लेकिन 815 जो है ये भी ऑक्सीजन का आइसोटॉप है. तो इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 7 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास जो मास नंबर है वो 15 बन जाता है. नेक्स्ट वी हैव ओड इवन न्यूक्लियाई. ओड इवन न्यूक्लियाई हमारे पास वो न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो ओड होगी और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो इवन होगी.
मिसाल के तौर पर H13 यानी वही ट्राइटोन की अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, यानी जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो ओड है और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो इवन है। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम है 13, 27, इसके अंदर 13 हमारे पास प्रोटॉन है लेकिन 14 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और इनका जो मास नंबर है वो 27 बनता है। अब ये जो नेम आप लोग देख रहे हैं इवन ओड, ओड इवन या इवन इवन और ओड इवन, इसका सीक्वेंस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो पहला नेम है इवन है या ओड है, ये एटॉमिक नंबर को शो करता है यानी जी की वैल्यूज़ को शो करता है, और जो हम बाद में नाम लिखते हैं वो बेसिकली न्यूट्रॉन नंबर को या एन की वैल्यूज़ को शो करता है। सो पहले आने वाला जो नाम है वो इवन ओड है, तो इसका मतलब इवन प्रोटॉन होंगे, ओड न्यूट्रॉन होंगे। ओड इवन है तो इसका मतलब ओड प्रोटॉन्स होंगे, इवन न्यूट्रॉन होंगे। तो जो पहले हमारे पास पहला हिस्सा है नाम का वो बेसिकली प्रोटॉन्स की तादाद को शो कर रहा है, जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की तादाद को शो कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर मैस। न्यूक्लियर मैस का मतलब डिफरेंट जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल हैं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनका जो मैस है वो हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उस स्केल को, उस यूनिट को हम दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैस ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल, कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इज़ यूजली मेजर्ड इन यूनिफाइड मैस स्केल। यूनिफाइड मैस स्केल के अंदर हम उसको मेजर करते हैं एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू विच इज़ डिफाइंड एज। सो व्हाट इज़ यूनिफाइड मैस स्केल, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1U इज इक्वल टू 1/12 मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एक एटम का जो मैस होगा, जितना भी मास होगा, उसके 12वें हिस्से को हम 1U या 1 यूनिफाइड मैस स्केल का नाम देते हैं। यानी हमारे पास जो कार्बन का एक एटम है उसका हम मैस मेजर करते हैं, और वो मैस जितना भी हो, यूजुअली 12 ग्राम होता है, तो उस 12 ग्राम का 12वां हिस्सा, यानी उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो एक हिस्सा जो है वो 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा। सो 1 यूनिफाइड मैस स्केल जो है वो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उस मास का 12वें हिस्से के बराबर होता है, और उसी से कंपेयर करके, यानी उसके 12वें हिस्से का वो जो मास है एक, हम उसको हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब हमारे पास अगर कोई एटम है जो कि उससे 2 गुना बड़ा है तो उसका जो मास है वो 2U के बराबर होगा। कोई हमारे पास ऐसा एटम है जो उससे 3 गुना बड़ा है तो उसका जो मास है वो 3U के बराबर होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, द मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ए इज कॉल्ड अ मोल। हमारे पास किसी भी एटम का मास जो कि बेसिकली उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी ए के बराबर जो भी मास है उसकी ग्राम्स में जो वैल्यू आती है, यानी जितना भी मास है डिफरेंट यूनिट्स में आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं तो ग्राम में उस एटम का जो मास है उसको हम 1 मोल का नाम देते हैं। और ये भी हमें बताया कि 1 मोल हमारे पास जो एटम्स हैं, 1 मोल किसी भी चीज़ का है तो उसके अंदर 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। चूँकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 6.02 × 10²³ एटम्स उसके अंदर मौजूद होंगे, और इस नंबर को, इस स्पेसिफिक नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं, Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम 1 मोल कार्बन की बात करें, सो 6.02 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास। हमने कहा 1 मोल के अंदर इतने एटम होंगे, तो इसका मतलब इतने एटम्स का जो मास है, 1 मोल का जो मास है वो 12 ग्राम है, और ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ग्राम्स में जो मास होगा उसी को हम 1 मोल कहेंगे, और 1 मोल के अंदर ही ये पार्टिकल है, तो इसका मतलब इतने जो पार्टिकल हैं उनका मास 12 ग्राम, और इस 12 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 10⁻³ के इक्वल आ जाता है। सो अगर इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है या 12 × 10²³ kg है, तो एक एटम जो है कार्बन का उसका मास कितना होगा, उसके लिए हम 12 × 10²³ को इस वैल्यू के साथ है वो एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक एटम का, यानी कार्बन के एक एटम का मास आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करें, हमने कहा कि 1U किसके बराबर होगा,
कि जो कार्बन एटम के, कार्बन के एक एटम का मास होगा उसको भी हमने 12 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी 12 के साथ डिवाइड करना है। सो यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी 1/12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सो जब हम इस वैल्यू को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आता है 1.66076 × 10⁻²⁷ kg। इसका मतलब एक यूनिफाइड मास स्केल या वन यू जो है वो इतने किलोग्राम के बराबर है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिफाइड मास स्केल जो है वो कितना छोटा यूनिट है हमारे पास। और क्योंकि हमारे पास एटम के जो पार्टिकल्स हैं, एटम का साइज इटसेल्फ भी बहुत कम है, और फिर आगे वो चीज़ है जो उसके भी अंदर पाई जाती है, उसका भी एक फर्दर पार्ट है, हमारे पास प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनका मास जो है वो भी बहुत स्मॉल होता है। इतना स्मॉल मास जो है वो हम किलोग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक छोटा यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ यूनिफाइड मास स्केल, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने एक टर्म यूज़ की थी रेस्ट मास एनर्जी। तो हम देखेंगे कि एक यूनिफाइड मास जो है, यानी एक यूनिफाइड मास, जिस हम कहते हैं 1 किलोग्राम मास, तो अब हम कहेंगे एक यूनिफाइड मास, तो एक यूनिफाइड मास जो है वो अपने अंदर कितनी एनर्जी कंटेन कर रहा होता है, यानी कितनी एनर्जी जो है उसको हमने एक जगह पे कंप्रेस किया, तो एक यूनिफाइड मास हमारे पास बना। तो उसके लिए अगेन हम आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और यहाँ पे मास कितना है हमारे पास, वन यूनिफाइड इंटू सी स्क्वेयर। और चूंकि हम इसको फिलहाल जाउल्स में कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, किलोग्राम में इसकी वैल्यू, यानी ऐसा यूनिट्स में हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दी, यूनिफाइड स्केल का नहीं बल्कि किलोग्राम में इसकी वैल्यू हमने पुट की। एक यूनिफाइड जो है वो 1.66076 × 10⁻²⁷ kg के इक्वल है, ये भी हमने कैलकुलेट की है वैल्यू। उसके बाद सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ m/s है, और इसका स्क्वेयर जो है वो हम करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास जाउल में आएगी। और चूंकि हम एनर्जीज जो हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम एनर्जीज जो हैं वो यूजुअली जाउल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, या फिर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। सो जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू आई है ये सारी की सारी जाउल में होगी, इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये मेगा 10 की पावर 6 होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप या तो 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड कर दें, 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे उसको, जब हम ऊपर लेके जाएंगे बटे में, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हमने मेगा यहाँ पे पुट करना था 10 की पावर 6, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 10 की पावर -6 जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। सो ये सारा फैक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको एनर्जी की वैल्यूज देगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो वन यूनिफाइड मास, यानी एक यूनिफाइड मास जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होगा, यानी एक यूनिफाइड मास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको दे सकता है। और इसी को यूज़ करते हुए हमने जो पीछे वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, यूनिफाइड मास स्केल में आपको डिफरेंट पार्टिकल्स के मास गिवन होंगे, आपने उनको एनर्जीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा। सो आप यूनिफाइड स्केल में पहले मास फाइंड आउट करेंगे, और सिंपली उसको फिर 931.5 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप फिगर आउट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है उसकी रेस्ट मास एनर्जीज की क्या वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर साइज़ के बारे में, इसकी बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में, और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे।